मेरे रंग में रंगने वाला। नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं ना, एक्चुअली वो टॉपिक नहीं है दोस्तों। सच में मैं आज उस इंसान की बात करने जा रहा हूं आज, जिसकी जादू हर एक भारतीयों के दिलों के ऊपर और दिलों के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं उस इंसान की बात करने जा रहा हूं जिसकी आवाज सही में दिल को छू जाने वाली थी। दोस्तों कल की बात है, 25 सितंबर मैं अपने ऑफिस में अपना वर्क कर रहा था, जो समय था लगभग 2:30 बजे का। मेरे करीबी दोस्त ने बताया कि सर पूरे द ग्रेट मशहूर संगीतकार और सिंगर गायक SP बालासुब्रमण्यम की डेथ हो गई। आई एम वेरी शॉक्ड दोस्तों, और सच में जैसे ये मैंने बात सुनी ना, आई एम फीलिंग वेरी सैड। मतलब क्या है ना दोस्तों, इतना बुरा लगा ना मुझे। मतलब ये 2020 साल जो है ना, ये हम सभी के लिए इतना बेकार और इतना मनहूस साल है ना, कि सच में आज देखा जाए ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 2020 में इतनी सारी ऐसी घटनाएं हो रही है सच में। क्योंकि कल के दिन में समय तो 2:30 बजे मैं अपना काम कर रहा था, तो उस समय मुझे पता चला कि हमारे भारतीय मशहूर गायक SP बालासुब्रमण्यम की क्या होगी, डेथ होगी, निधन हो गया उनका। हालांकि वो कोरोना पॉजिटिव है, उनकी टेस्ट भी पॉजिटिव निकली थी, इसलिए उन्होंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी किया, ठीक है ना। और हाल ही में उनका 2 दिन पहले उनकी कुछ बातचीत भी हुई थी कि डॉक्टर उन्हें जल्द से जल्द डिस्चार्ज भी करने वाले थे। पर दोस्तों सच में कि 2 दिन बाद क्या हो गया, उनका निधन हो गया। और सच में आई एम वेरी शॉक्ड दोस्तों कि आज हमारे भारतीय मशहूर गायक बालासुब्रमण्यम साहब, जिनकी आवाज देखा जाए ना तो सच में इतनी प्यारी आवाज थी कि आज मैं क्या बोलूं दोस्तों। सच में 1:04 में उनकी डेथ हो गई, निधन हो गया उनका, ऐसा डॉक्टर का कहना है। और सच में आई एम वेरी शॉक्ड, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, आज देखिए म्यूजिक इंडस्ट्री में आज ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं, पर SP बालासुब्रमण्यम साहब के जैसा एक गायक, उनकी आवाज, उनकी मधुर वाणी सच में बहुत ही प्यारी थी। कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने उनकी आवाज महसूस की है, उनकी उनका जो गायकी का अंदाज है, मैं सच में बचपन से सुनते आ रहा हूँ। क्योंकि देखा जाए तो मैं जितना बॉलीवुड का फैन नहीं हूं ना, उतना साउथ इंडियन मूवी और उनके गाने जो है, उनकी जो गानों की अदाकारा बिल्कुल अलग है और दिल को छू जाने वाली होती है। और सच में क्योंकि देखा जाए बालासुब्रमण्यम साहब की जो आवाज, ठीक है ना, बिल्कुल अलग ही किस्म के इंसान थे, अलग ही पर्सनालिटी थी, अलग ही व्यक्तिमत्व था उनका। मैं सच में बहुत शॉक हो गया कि ये 2020 साल में ये ऐसा क्या हो रहा है। क्योंकि उनके जाने से हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर दोस्तों आपको पता होगा कि ये 2020 साल में कोरोना जैसी एक बीमारी में बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को हमने खोया हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री लेको, फिल्म इंडस्ट्री से भी लेके देखो, और आज म्यूजिक इंडस्ट्री में इस साल देखा जाए तो इरफान खान, ठीक है दोस्तों, उनकी भी डेथ हो गई। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत अच्छे एक्टर थे, ऋषि कपूर सर देखा जाए तो,
और कल की बात हमारे ये गायक, मतलब सच में आज ये 2020 साल जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ही हमारे लिए दुखदायक है। सच में बहुत ही दुखदायक है। दोस्तों मैं यही बात कहना चाहूंगा कि आज बाला सुब्रमण्यम साहब की जो गायकी है, ठीक है ना, उनका एक अलग अंदाज था। अगर उनके करीब करियर पर अगर देखा जाए तो मुझे ज्यादा उतनी मालूमत नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा आपको कि कल की डेट में उनको कम से कम उनके 74 ईयर्स की साल में उन्होंने बहुत सारे ऐसे गाने गाए हैं, क्योंकि 74 साल में उनका कल क्या हो गया, निधन हो गया। तो दोस्तों मुझे आज उनके बारे में बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे उनके बारे में मुझे छोटी छोटी मालूमात है जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि क्या है ना दोस्तों, आज म्यूजिक इंडस्ट्री भी एक हमारे लाइफ में क्या है, एक ऐसा अंग बन चुका है जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यूजिक सुने बिना हमें कुछ ना कुछ राहत नहीं मिलती। ये बात है ना, म्यूजिक हमारे लाइफ में जरूरी है। और हमारे गायक अगर बाला सुब्रमण्यम साहब की अगर बात करें, उनके गाने तो बहुत अच्छे गाने हैं दोस्तों। 1969 में उनका एक बहुत गाना फेमस हुआ था, बहुत जबरदस्त गाना फेमस हुआ था, जो तेलुगु लैंग्वेज में था। हालांकि देखा जाए तो उन्होंने अपने करियर में पहला जो गाना गाया था ना, वो 1966 में गाया था। तो आज देखते देखते उनका करियर का ग्राफ ऐसे बढ़ा, आज मान के चलो उनका सबसे बड़ा एक जो बता रहा हूं कि सबसे बड़ा एक हथियार बोले तो सिंगिंग, ठीक है ना, उनके लाइफ में एक बड़ा वो सबसे ज्यादा म्यूजिक से ही पॉपुलर हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि आज जो इंसान ऐसे ऐसे गाने गा चुका है, ठीक है ना। देखिए भारत, देखिए दोस्तों कैसा है, हमारा जो भारत देश है ना, वो अलग अलग विविधताओं में बटा हुआ है। अलग अलग प्रांत, अलग अलग प्रांत की संस्कृति या अलग अलग भाषा, ठीक है ना। तो मैं बाला सुब्रमण्यम साहब के बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे कौन सी भी भाषा नहीं है कि उन्होंने गाना गाया नहीं है। लगभग देखा जाए तो दोस्तों 16 अलग अलग भाषाओं में बाला सुब्रमण्यम साहब ने क्या किया है, गाना गाया है। 16 भाषाओं में कम से कम देखा जाए तो 40,000 से भी ऊपर उन्होंने क्या है, गाना गाया है। और ये दोस्तों बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी सिंगर के लिए। अगर देखा जाए आज के यूथ सिंगरों की अगर बात की जाए तो उनके गायकों में, उनकी गायकी में उतनी अच्छी बात नहीं है पहले जैसे। कि हमारे पहले जो सिंगर आते थे, सिंगर गाना गाते थे, आज भी उनके जो गाने हैं ना, वो दिल को छू जाने वाले थे। ये बात मैं बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि क्या है ना, आज की गानों की अगर बात करें तो कम से कम वो गाना हम 2 दिन सुन सकते हैं, पर उससे पहले के गाने, जो एवरग्रीन जो गाने होते थे ना, तो उनकी जादू हमारे दिलों पर आज भी राज करती है, खासकर बाला सुब्रमण्यम साहब के गानों की। क्योंकि सच में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए ये हमारे भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने अच्छे अच्छे गाने हमको, भारतीय जनता को दिए हैं। और सच में उन्होंने बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हमारे लिए किया है संगीत के माध्यम से। हालांकि भारत सरकार ने उनको 2001 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है, और साथ में 2011 साल में भी उनके संगीत के लिए कम पद्म भूषण भी अवार्ड उनको दिया है, और साथ साथ 6 बार वो राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल अवार्ड विनर भी रह चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी सिंगर के लिए, किसी भी गायक के लिए दोस्तों। मैं सच में ये बताना चाह रहा हूँ कि आज हमारे देश में ऐसे ऐसे बहुत अच्छे गायक हैं जो आज
उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उनका लोहा मनवाना हर किसी के अंदर की बात नहीं है। सच में ये बहुत अलग चीज है, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, आज बालासुब्रमण्यम साहब का आज देखा जाए तो अंतिम संस्कार है, ठीक है ना। कल उनकी जो डेथ होगी, उनके परिवारजनों, ठीक है ना, भगवान उनको आत्मा को शांति दे दोस्तों। मैं बस यही प्रार्थना करूंगा भगवान से। बहुत ऐसा जो हीरा होता है ना दोस्तों, हर किसी के जीवन में नहीं आता है, यही बात होती है दोस्तों। क्योंकि बालासुब्रमण्यम साहब की मैं बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि आज मुझसे जो एक शॉक्ड हुआ हूं ना मैं उनकी न्यूज सुनते हैं, सच में। क्योंकि यार दोस्तों, मैं उनके गाने का बहुत बड़ा फैन हूँ, सच में। आज उनकी मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है उनके बारे में, क्या जितना बोलूंगा मैं कम हूँ उनके बारे में, जितना बोलूंगा ना बहुत कम है। दोस्तों मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझसे ज्यादा बोला नहीं जा रहा। फिर भी मैं आखिर एक कहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, रेस्ट इन पीस एसपी बालासुब्रमण्यम सर, वी आर ऑल यू मिस यू। जय हिंद दोस्तों।